हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं वैशाली गोके आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर और आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। तो आइए दोस्तों, आपकी सुबह की शुरुआत करते हैं आपकी गर्मा गर्म चाय और दिन भर की ताज़ा तरीन गर्मा गर्म खबरों के साथ। आप तो जानते ही हैं कि हाल फिलहाल में देश और दुनिया का क्या हाल है, हमारे देश की सुरक्षा, चाइना के साथ हमारा विवाद और उच्च स्तरीय वार्ताएं, राजनीतिकरण, इसके अलावा वैक्सीनेशन, कोरोना वायरस, कोरोना का नया स्ट्रेन, उसके लिए वैक्सीन, बच्चों के लिए वैक्सीन, साथ ही साथ देश में किसान आंदोलन, पेट्रोल डीजल का भाव और भी बहुत सारी ऐसी खबरें होती हैं जिनके बारे में हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो के साथ आप एंड तक बने रहिएगा। इससे पहले कि हम खबरों की ओर बढ़े, चलिए एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों की ओर। पांच राज्यों में चुनावी प्लान पर दिल्ली में बीजेपी का महामंथन, पीएम नरेंद्र मोदी का सबके लिए संबोधन। भारत चीन के बीच 16 घंटे लंबी चली वार्ता, पूर्वी लद्दाख से सैन्य वापसी पर हुई बात। महाराष्ट्र में कोरोना की बढ़ती मार, शाम 5 से सुबह 5 बजे तक लगा सकती है सरकार कर्फ्यू। भारत में मिला कोरोना का नया स्ट्रेन, हो सकता है ज्यादा घातक, एम्स डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। गर्मी के अंत तक 16 साल से कम उम्र के बच्चों को मिल सकती है अमेरिकी वैक्सीन, फाउची। करीना कपूर और सैफ अली खान के घर आया नया मेहमान, करीना कपूर ने दिया बेटे को जन्म। राहत, 12 दिन की बढ़ोतरी के बाद आज नहीं बढ़े पेट्रोल डीजल के भाव। SBI का अपने ग्राहकों को तोहफा, एक मिस कॉल पर पाएं 20 लाख तक का लोन, ब्याज दरें बेहद कम। अब किराएदार भी आसानी से अपडेट कर सकते हैं आधार में अपना पता, अपनाएं ये तरीका। जी हाँ दोस्तों, ऐसे और भी कई सारी खबरें और अपडेट्स हैं जिनके बारे में हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे, तो आप वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। इसी के साथ ही इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और आप भी उतनी मेहनत, प्यार और सब्र के साथ इस वीडियो को एंड तक देखते हैं और फिर से लाइक और शेयर करते हैं, अपने विचार हमसे साझा करते हैं। आपका यही प्यार और सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है लगातार बेहतरीन काम करने के लिए। तो इस मोटिवेशन, इस सपोर्ट को हमारे साथ यूं ही बरकरार रखिएगा। अब चलिए दोस्तों खबरों की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली में बीजेपी के पदाधिकारियों की एक बैठक हुई और इस बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया और इस बैठक में बहुत सारी बातों पर चर्चा की गई, जैसे कि किसान आंदोलन किस तरीके से किसानों को फायदा पहुंचा सकता है और कैसे कुछ लोग इस आंदोलन का फायदा उठा रहे हैं अपने राजनीतिक फायदे को लेकर। इसी के साथ ही गरीब कल्याण योजना का लाभ जमीनी स्तर पर आम लोगों को किस तरीके से पहुंचे, साथ ही पार्टी के बड़े नेता और साथ ही प्रतिष्ठित नेता। इसके अलावा देश के जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, उनके साथ केंद्र सरकार का समन्वय किस प्रकार हो और चुनाव में किस तरीके के दाव अपनाने चाहिए, इन सब बातों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पूरी पार्टी को संबोधित किया। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस महामारी की वजह से हालात काफी ज्यादा गंभीर होते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी के साथ ही अब इस पर ये फैसला होने वाला है कि क्या यहाँ पर नाइट कर्फ्यू होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, लगातार जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं उस पर उद्धव सरकार के मंत्री विजय वडेट्टीवार ने शनिवार को ये जानकारी दी कि सरकार 12 घंटे के नाइट कर्फ्यू पर विचार कर सकती है। आपको बता दें कि हाल फिलहाल में गाइडलाइंस भी चेंज कर दी गई है और लोगों को सतर्क किया गया है कि वो गाइडलाइंस का ठीक तरीके से पालन करें। इसी के साथ ही कोरोना की रफ्तार को कंट्रोल करने के लिए जितने भी सामाजिक कार्यक्रम किए जाते हैं, कोई भी गैदरिंग होती है जैसे कि शादी, बड़ी हॉल में कोई भी फंक्शन, इन सब पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके साथ ही सरकार इस बात पर भी जल्द ही फैसला लेने वाली है कि शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक पूरे तरीके से नाइट कर्फ्यू लगा दिया जाए। और इसी के साथ ही उनका ये भी कहना है कि अगले हफ्ते राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ इस पर चिंतन होगा और फिर सरकार इस पर अपना फैसला जाहिर करेगी। भारत में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण बढ़ने लगा है, क्योंकि पिछले 28 दिनों के बाद अचानक से राज्य में 14,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए और साथ ही साथ वैक्सीनेशन भी शुरू है, लेकिन कोरोना का एक नया स्ट्रेन सामने आ गया है। उसके बाद एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने इस पर अपनी चिंता जाहिर की है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि जो नया वायरस सामने आ रहा है वो पहले से ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है और जिस तरीके की प्लानिंग हमने पहले की थी, हर इम्यूनिटी जैसी, वो सिर्फ एक मिथक है, क्योंकि 80% आबादी के पास
एंटीबॉडी मौजूद होनी चाहिए कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। लेकिन ये नया स्ट्रेन इस प्रकार का है कि ये पहले से ही रिकवर हो चुके पेशेंट्स पर भी हमला कर सकता है और उनको वापस से बीमार कर सकता है। तो अभी हाल फिलहाल में स्थिति काफी ज्यादा गंभीर हो चुकी है नए स्ट्रेन की वजह से। पहले वायरस से अभी तक हम उभर नहीं पाए हैं और कोरोना का नया स्ट्रेन हम पर एक बार फिर से वार करने के लिए तैयार है। इसी के साथ ही उनका कहना ये भी है कि ये नया स्ट्रेन पुराने वाले स्ट्रेन से 50-70% ज्यादा संक्रामक हो सकता है। करीना कपूर खान अपने नए बच्चे का स्वागत कर चुकी है। जी हाँ दोस्तों, करीना कपूर खान और सैफ अली खान के घर पर नया मेहमान आ चुका है और करीना कपूर ने एक बेटे को जन्म दिया है। इसी के साथ ही तैमूर अली खान बड़े भैया बन गए हैं और उनके घर में पूरा खुशी का माहौल है। आपको बता दें कि पहले जानकारी ये थी एंड इवन उनकी फैमिली की तरफ से भी कहा गया था कि करीना कपूर की डिलीवरी डेट 15 फरवरी है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अब देर ही सही, लेकिन करीना कपूर ने सबको खुशखबरी दे दी है और वो एक बेटे की माँ बनी है। आपको बता दें कि सैफ अली खान अपने इस नए जर्नी को जीने के लिए पहले अपने सारे कामों को खत्म कर चुके हैं, तो वहीं करीना कपूर ने भी अपनी डिलीवरी से पहले अपने सारे काम फिनिश कर दिए हैं ताकि वो अपने इस मदरहुड को काफी अच्छे से एंजॉय कर सके। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे शहर में किराए से रह रहा होता है तो उसे एड्रेस अप्रूव करवाने में बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर वो इंसान अपने आधार कार्ड को अपने पहचान पत्र के तौर पर भी इस्तेमाल करने में उसे काफी ज्यादा परेशानियां होती हैं और उनके कई अन्य कामों में रुकावट आ जाती है। लेकिन अब UIDAI ने आपके इस काम को आसान कर दिया है। जी हाँ, अब आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से अपना आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करवा सकते हैं। लेकिन इसके लिए अगर आप किराए के घर में रहते हैं तो इसके लिए आपके पास किराए के लिए एक अग्रीमेंट होना चाहिए। साथ ही में फिर जब आप ऑफलाइन अपना एड्रेस चेंज करवाने के लिए फॉर्म फिल करते हैं तो आप एड्रेस चेंजिंग के लिए फॉर्म फिल करें और इसके बाद फॉर्म में अपनी सारी डिटेल्स भर दें और फिर आप आसानी से आधार कार्ड में अपना एड्रेस चेंज कर सकते हैं। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 14,264 नए मामले रिपोर्ट किए गए। शनिवार के मुकाबले आज रिपोर्ट किए गए मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। कल संक्रमण के 14,000 नए मामले सामने आए थे। वहीं संक्रमण मुक्त मरीजों की संख्या बढ़कर 1,06,00,000 से ज्यादा हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 14,264 नए मामले मिले और इस तरीके से कुल संक्रमितों की संख्या 1,09,91,651 हो गई है। भारत और चीन के बीच पिछले कई महीनों से चल रहे तनाव को कम करने के लिए सीमा पर सैन्य कमांडर स्तर की वार्ता जारी है। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद सुलझाने के लिए शनिवार को 10वें दौर की सैन्य वार्ता हुई। मोलतू बॉर्डर पर 16 घंटे तक चली भारत चीन वार्ता के दौरान पूर्वी लद्दाख में हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा और देवसांग जैसे क्षेत्रों से भी सैनिकों को वापस बुलाने की बात कही गई। जानकारी के अनुसार दोनों देशों के बीच ये बैठक सुबह 10 बजे नियंत्रण रेखा पर चीन की तरफ मोलदो सीमा क्षेत्र में शुरू होकर रात करीब 2 बजे खत्म हुई। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कोविड-19 वैक्सीन की खुराक गर्मी के आंख या पतझड़ की शुरुआत तक मुहैया हो सकती है, ये उम्मीद जताई है अमेरिका के सबसे बड़े महामारी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फाउची ने। बच्चों के लिए वैक्सीन के ना होने से अभिभावकों और शिक्षकों के बीच निराशा बढ़ रही है। फाउची ने IANS को बताया कि अमेरिका कम से कम एक वैक्सीन बच्चों के लिए गर्मी के अंत तक मुहैया कराने में सक्षम हो सकता है। कोरोना वायरस के खिलाफ अमेरिका में फाइजर और मॉडर्ना की 2 वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है। अमेरिका में मुहैया 2 वैक्सीन में फाइजर की वैक्सीन का इस्तेमाल 16 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों पर हो रहा है। हालांकि मॉडर्ना की वैक्सीन का डोज 18 साल से ऊपर के बच्चों के लिए है। 12 दिन लगातार तेजी के बाद आज पेट्रोल की कीमतों में आम जनता को राहत मिली। सरकारी तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल के भाव में किसी भी तरह का इजाफा नहीं किया। दिल्ली में आज पेट्रोल 90.58 और डीजल 80.97, मुंबई में पेट्रोल 97 और डीजल 88.06, कोलकाता में पेट्रोल 91.78 और डीजल 84.56, चेन्नई में पेट्रोल 92.59 और डीजल 85.98 रुपए प्रति लीटर है। अगर आप घर बनाने जा रहे हैं और आपको पैसे की काफी दिक्कत हो रही है तो SBI बैंक आपके लिए एक बड़ा तोहफा लेकर आया है। SBI की ओर से ये योजना बनाई गई है कि SBI के तमाम ग्राहक सिर्फ मिस कॉल देकर पर्सनल लोन ले सकते हैं। इस लाभ को पाने के लिए SBI में आपका अकाउंट होना जरूरी है। अब ग्राहक 7208933142 नंबर पर एक मिस कॉल करेंगे। जैसे ही कोई ग्राहक एक नंबर पर कॉल करेगा उसे बैंक की तरफ से कॉल बैक होगा और आपके लोन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
अगर आपको SMS के जरिए लोन चाहिए तो आप SMS में पर्सनल लिखकर 7208933145 पर SMS भेज सकते हैं। SBI के योजना के अनुसार आप 25,000 से लेकर 20 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। साथ ही 5 से 20 लाख रुपए की ओवरड्राफ्ट सर्विस भी मिल रही है। इसमें किसी गारंटर या सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है।